इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मुकाबला, अभी बांग्लादेश के साथ जो है वो टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जो वो सीरीज जीत लिया और सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे और काफी जबरदस्त तरीके से सीरीज जीता। उसी प्रकार से अभी साउथ अफ्रीका के साथ चार T20 मुकाबला खेला जाना है और जिसमें से मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका में होगा। मुकाबला जो है टीम इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका जाएगी और चार T20 मुकाबला खेलेगी। पहले भी सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तान रह चुके हैं और सूर्य कुमार यादव जो है वो इनकी जो टीम है वो भिड़ चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम से, क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला होता है काफी रोमांचक होता है। T20 मुकाबला होने वाला है जिसमें से सूर्य कुमार यादव आपको नजर आएंगे एक तरफ, तो एक तरफ जो है वो एडन मार्केट नजर आएंगे। साथ में काफी शानदार मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का और पहला जो मुकाबला है वो बताया जा रहा है कि 8 नवंबर को खेला जाएगा और टाइमिंग जो रखी गई है 8 बजे रखी गई है। 8 नवंबर को मुकाबला खेला जाएगा और 8 बजे टाइमिंग रखी गई है। स्ट्रीमिंग पार्टनर जो है वो जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा पे आप लोग मुकाबले को देख पाएंगे। पहला जो मुकाबला है वो किंग्समेड में खेला जाएगा, जहां पे किंग्समेड में काफी सारा मुकाबला जो टीम इंडिया खेली है काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और किंग्समेड में जो मुकाबला होता है काफी लाजवाब काफी रोमांचक मुकाबला होता है। पिंक क्रिकेट भी खेला जाता है और काफी जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया वहां पे अपनी भूमिका निभाती है। पहला जो T20 मुकाबला होगा वो 8 नवंबर को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जब भी मुकाबला होता है काफी रोमांच भरा मुकाबला होता है। काफी जबरदस्त लोग जो है काफी ज्यादा जो इंडिया के फैंस हैं और साउथ अफ्रीका के फैंस हैं दोनों सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 टीम इंडिया की तरफ से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, स्क्वाड टीम इंडिया की क्या देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने स्क्वाड देखा था, बस उस स्क्वाड में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि सूर्य कुमार यादव तो रहेंगे, साथ में जो है संजू सैमसन भी रहेंगे। अभिषेक शर्मा को जो है चेंज किया जा सकता है, अभिषेक शर्मा की जगह आपको गायकवाड़ दिख सकते हैं। वैसे भी फाइनल नहीं किया गया, अभी स्क्वाड आया नहीं है, लेकिन ज्यादा चेंजेस ज्यादा बदलाव आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। रवि बिश्नोई देखने को मिलेंगे, हर्षदीप भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीम इंडिया काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है जो स्क्वाड आप लोगों ने देखा था उसी स्क्वाड के साथ में। लेकिन 2 से 3 बदलाव आपको देखने को मिलेंगे स्क्वाड में, ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे, क्योंकि T20 के जो कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं और वहीं हार्दिक पांड्या भी नजर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पांड्या नजर आ सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लोग देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं और काफी कम हार्दिक पांड्या नजर आ रहे थे क्रिकेट में, लेकिन जब से नजर आ रहे हैं काफी लाजवाब तरीके से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या भी आपको नजर आ सकते हैं।